बनाएंगे कप्सा राइस। कप्सा राइस और मंदी काफ़ी एक दूसरे से मिलता जुलता है, मसाला भी इसमें वही पड़ता है। फर्क सिर्फ ये है कि मंदी जो है वो कड़ा खोद के और उसके अंदर दबा के बनती है, और कप्सा राइस हम चूल्हे में बनाते हैं। मैंने 1 टेबल स्पून ये जिंजर डाला है। अच्छा, कप्सा राइस में लहसुन नहीं पड़ता, ठीक है। आप चाहें तो कच्ची प्याज डालें तो 2 कप डालें, मैं करी भी डालनी हो तो मैं 1 कप डालनी हूँ, ठीक है। क्या डाला अभी तक हमने, 1 टेबल स्पून अदरक डाला, 1 कप तली हुई प्याज डाली। ये मैं आपको बता रही हूँ 3 पाव चावल के लिए। तकरीबन मेरे पास 1 किलो मुर्गी है, ठीक है। चिकन का बता रही हूँ, इंशाल्लाह बीफ का और मटन का भी बताऊँगी। उसका तरीका थोड़ा यखनी बनाने वाला तरीका है, तो इंशाल्लाह ज़िंदगी बखैर उसका भी आपको ज़रूर बताऊँगी। उसमें मैंने मंदी बनाई थी, मंदी अपलोड हुई हुई है। आप मंदी मसाला जैसे जो मसाला बचा था वही मसाला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे इसके अंदर। आपको दोबारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं मंदी मसाले की पूरी रेसिपी डाल दूँगी। ये 2 टेबल स्पून मंदी मसाला है, ये मैं इसमें डाल रही हूँ, ठीक है। और कोई मसाला इसमें अब नहीं पड़ेगा। और 1/2 किलो टमाटर पड़ेंगे 1 किलो मुर्गी में, ठीक है। मुर्गी फ्राई हो रही है, साथ में मैंने 1/2 किलो टमाटर डाल दिए। मसाले इसमें ज़्यादा नहीं पड़ते। 1 टेबल स्पून मैंने 3/4 कप ऑयल था उसमें मैंने 1 टेबल स्पून अदरक डाला, 1 कप तली हुई प्याज डाली, 2 चम्मच मंदी मसाला डाला, और अब ये मैंने 1/2 किलो टमाटर डाल दिए, ठीक है। इसी में मुर्गी पका लेंगे। अब जब मुर्गी पक जाएगी तो हम इसमें से मुर्गी निकाल लेंगे और इसमें 3 पाव चावल डाल देंगे। नमक अभी मैं डालने जा रही हूँ उसके अंदर, इससे ज़्यादा 3 चम्मच इसमें नमक पड़ेगा, ठीक है। और साथ में ये मैं 1 सूखा हुआ लेमन डाल रही हूँ। आपके पास लेमन नहीं है तो आप लेमन, ठीक है ना, मैंने आपको बताया जैसे कि अगर आपके पास लेमन नहीं है तो आप लेमन जेस्ट डाल सकते हैं, लेमन पाउडर डाल सकते हैं। अब इसमें मैं तकरीबन 1.5 लीटर के करीब पानी डाल रही हूँ। 1 लीटर पे भी चले मैं रोक लेती हूँ और इसको बॉईल करते हैं। बॉईल करने के बाद जब चिकन गल जाएगी तो हम सारी चिकन बाहर निकाल के उसको थोड़ी देर के लिए बटर लगा के ओवन में रख देंगे और इसी पानी में चावल डाल के दम कर देंगे। और हमारा कप्सा राइस तैयार हो जाएगा। अब इसको हम चिकन के बॉयल होने का इंतजार कर रहे हैं। चिकन बॉयल हो जाती है, गल जाती है तो निकाल के हम चावल दम करते हैं। अब मैं इसमें से ये बोतल निकाल के बाहर ओवन में रख रही हूँ, ओवन के अंदर डालूंगी, ठीक है ना। इसमें से ऐसे हम जल्दी से छान लेते हैं बोटियाँ, और जो इसके अंदर करी बची हुई है इसके अंदर हम डालेंगे राइस, ठीक है। मैं सारी बोटियाँ निकाल लेती हूँ, फिर मैं चाय डालते हुए आपको दिखाती हूँ। ये देखें, गोश्त इसमें से हमने निकाल लिया है। अब जो शोरबा बचा हुआ है उस शोरबे के अंदर हम ये 3 पाव चावल डालने जा रहे हैं, ठीक है। पानी थोड़ा एडजस्ट करेंगे, पानी जितनी ज़रूरत है वो चेक करके उसको एडजस्ट करके, और ये चावल को तेज़ आंच पे करके हम इसे दम करेंगे। पहले चावल को फैला के देख लेते हैं, पानी काफ़ी है। ये देखिए सारा चावल डाल दिया इसके अंदर, ये कप्सा के अंदर चावल चले गए हैं, ठीक है। आँच आप अभी हम इसकी फुल कर देंगे ताकि ये सारा एब्जॉर्ब कर लें। और जो हमारे पास चिकन है इसके ऊपर हम हल्का सा बटर या ऑयल लगा के इसको ओवन में डाल रहे हैं। ये हमने ओवन में डाल, ये देखिए पानी से तकरीबन फ्राई कर लिया है। अब इसको मैं 15 मिनट के लिए दम कर रही हूँ चावलों को, और उसके बाद फिर हम निकालेंगे जो चिकन हमने बेक करने के लिए रखी है इसकी, इस पर रखेंगे और सर्व करेंगे इसके, और साथ में पीसती हुई मसालादार उसकी रेसिपी मैं आपको अलग से देती हूँ। ये देखें राइस हो गए हैं, अब ओवन से हम चिकन निकाल लेते हैं। उस चिकन को उसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे, साथ में ये सलाताहार हमने बनाया हुआ है, ठीक है। इट्स वेरी हॉट, कप्सा राइस जो है हमारा दे आर रेडी टू सर्व। ये ओवन से अच्छी सी टाइट सी हो जाती है बोटी, खाने में फिर बहुत मज़ा आता है। बनाइए, इंजॉय कीजिए और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। इंशाल्लाह किसी और रेसिपी के साथ फिर कभी हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।